सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि 2000-3000 साल पहले भी लोग नास्तिक थे, ऐसा क्यों? जबकि उस टाइम के लोग तो बहुत धार्मिक होते थे और पूजा पाठ में लीन रहते थे, फिर भी खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रहा। आज के युग में नास्तिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक को लोग प्रत्यक्ष को लोग प्रमाणित मानते हैं। उस टाइम भी लोग क्या ऐसे ही थे? तार्किक लोग छिपकली की पूंछ में आत्मा कहाँ से है? ऐसा है कि एक वीडियो एक बना था, इसमें मैंने बताया था कि आत्मा जो है वह सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी तत्व हो, उसी का जो सूक्ष्मति सूक्ष्म स्वरूप होता है, अविभाज्य तत्व होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो जिज्ञासा है, इनका कहना है कि 2-3 हजार साल पहले भी क्या नास्तिक होते थे, तो क्यों नहीं होते थे? आस्तिक और नास्तिक हर युग में रहे हैं, और जिसने भी जो प्रतिपादन किया तो उसके विरुद्ध में बोलने वाले भी लोग रहे हैं, तो ईश्वर के विरुद्ध बोलने वाले भी लोग पहले भी रहे हैं। यह तो होता ही है, यह तो नियम ही है कि अगर के कोई वाद करेगा तो उस पर प्रतिवाद होगा। आप कुछ भी बोलोगे तो कुछ मानने वाले होंगे और कुछ नहीं मानने वाले होंगे। नहीं मानने वाले होंगे तो वे या तो चुप रह जाएंगे या विरोध में बोलेंगे, तो प्रतिवाद हो जाएगा। तो जो आस्तिक दर्शन है, वह जो है वह अप्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, वह भी प्रत्यक्ष दर्शन ही है। तो यहां पर यह जो कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, तो प्रत्यक्ष तो है ही, आस्तिक दर्शन जो है प्रत्यक्ष है। ईश्वर को जिन्होंने अनुभूत किया है उन्होंने ही ईश्वर की बात की है, और उसके लिए जो तर्क हो सकता है वो उन्होंने तर्क भी दिया है। तो वह तर्क मैं अभी यहां प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत सारे पहले भी मेरे कई वीडियो इस पर आ चुके हैं, आप उन वीडियो को जाकर देखिए, रिपीटिशन ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आस्तिक और नास्तिक का जो संघर्ष है पहले से चला रहा है। प्रत्यक्ष तो दोनों ही बात करते हैं, आस्तिक भी बात करते हैं, नास्तिक भी बात करते हैं, लेकिन जो है नास्तिक जो है प्रत्यक्ष करने के लिए वे प्रत्यक्ष सिर्फ अपने उन्हीं इंद्रियों को मानते हैं जो बाह्य इंद्रियां हैं, भीतर के इंद्रियों को नहीं मान रहे हैं, भीतर कोई साधना नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी एक खामी है। तो भीतर साधना करें उसके बाद किसी चीज को इनकार करें, बिना जाने हुए इनकार करना भी गलत होता है, इस चीज को उनको समझना पड़ेगा। तो उस वक्त भी तार्किक थे, लेकिन नास्तिक पूरे तार्किक नहीं होते, तार्किक तो होते हैं लेकिन अधूरे तार्किक होते हैं, उनका तर्क अधूरा है। अगर वास्तविक अगर निष्कर्ष पर वे पहुंचेंगे तो पाएंगे कि वे जो नास्तिक हैं वे आस्तिक हो जाएंगे। यानी अगर वो ज्ञान मार्ग की ही साधना को अपना लें, तर्क वितर्क की ही साधना को अपना लें, तो नास्तिक आस्तिक हो जाता है।
प्रत्यक्ष को ही माने, लेकिन प्रत्यक्ष की जो अनुभूति है, ज्ञान मार्ग की जो अनुभूति है, उसी को करें। दिमाग में विचार आते हैं ना, पता लगाएं विचार कहाँ से आ रहा है। भाई है विचार तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा ना, इसी की खोज करो। नास्तिक हो तो खोज करो, दिमाग तुम्हारा है, विचार तुम्हारे भीतर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, इसी का पता लगाओ। उसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, श्वास प्रश्वास चल रही है तो ये श्वास प्रश्वास कहाँ की प्रेरणा से चल रही है, ये फेफड़ा जो चल रहा है वो फेफड़ा कहाँ से चल रहा है, उसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। भीतर में शक्ति है, विद्युत है, चुंबक है, भीतर में प्रेशर है, तो उनकी प्रेरणा कहाँ से है, उसका स्रोत कहाँ है, तो पता लगाना चाहिए ना। तो उसके लिए बैठ के साधना करनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा, तो उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो अगर ये प्रत्यक्षीकरण करते यथार्थ में तो नास्तिक नहीं रहते, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, ये बस किसी ने कुछ कह दिया तर्क के आधार पर, बस उसको रट लिया और उसी को दोहराते हैं, या वैज्ञानिकों ने कुछ कहा है बस उसी को दोहराते हैं। वो एक ही बात है, किसी ने कुछ कह दिया या वैज्ञानिकों ने कह दिया। वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किया है तो वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं तो उसी का आधार बना करके ये बोलते हैं, ये स्वयं कभी कुछ नहीं करते, स्वयं बस बस उधार की ही चीज दे करके, उधार के ही तर्क लेकर के उसको परोसते रहते हैं, उसी पर बास करते रहते हैं। यथार्थ में स्वयं जो है व्यक्ति जब अनुभूत करता है तो प्रमाणिक होता है। तो जो ये प्रमाणिकता की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये स्वयं ही प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि स्वयं ही जो है इन्होंने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया, तो कहाँ से प्रमाणिक हुए। उधार की बात है, आज वैज्ञानिक कुछ बोल रहे हैं, कल वैज्ञानिक कुछ और प्रयोग करके लाएंगे, कुछ और प्रस्तुत करेंगे, फिर ये उसकी बात बोलने लगेंगे, यानी स्वयं कुछ नहीं करेंगे, स्वयं बस जो जूठन है उसी को परोसते रहेंगे। स्वयं जब व्यक्ति करता है तो वो प्रमाणिक होता है उसके लिए। दूसरा भले विश्वास ना करे, लेकिन वह तो स्वयं विश्वास करेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो वह सिद्ध है। अगर दर्द कहीं मुझे हो रहा है तो दर्द कहाँ हो रहा है यह तो मेरे लिए तो सिद्ध है, भले दूसरा ना माने कि यहाँ दर्द है। अगर मुझे सुख की अनुभूति हो रही है तो कहाँ सुख की अनुभूति हो रही है, तो वह मुझे पता है, क्योंकि मुझे अनुभूति हो रही है। अब दूसरा ना माने तो भी अगर मुझे सुख की अनुभूति हो रही तो हो रही है, अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, तो उसके लिए तो प्रमाणित होता ही है। तो व्यक्ति प्रमाणिक हो जाए तो वह बहुत अच्छी बात है, और चाहे 2000-3000 साल वर्ष की बात क्यों किया जाए, अगर 50,000 साल पहले की भी बात की जाए तो वही बात हो, क्योंकि उस वक्त भी भाषा रही होगी ना कोई भले उतनी परिष्कृत भाषा नहीं रही। तो मनुष्य जब भी कुछ संवाद किया है, इशारे में भी क्यों ना किया हो, तो उसका वाद और प्रतिवाद अवश्य हुआ है, तो आज भी हो रहा है, आगे भी होते रहेंगे। तो यह अब वैज्ञानिक लोग कब यह प्रमाणित करेंगे कि भाई आस्तिकता होती है, ईश्वर होते हैं, तब ये मानेंगे, तो अभी इनको तो वेट करना पड़ेगा, इनका जीवन भी निकल सकता है, क्योंकि खुद तो खोज करेंगे नहीं, दूसरे के खोजे हुए चीज़ को धो लेंगे। अगर वैज्ञानिकों ने कह भी दिया कि हाँ भाई होता है ईश्वर, तो इसे इनको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि अनुभव तो किया नहीं, बस उसी बात को सिर्फ बोल सकते हैं बस क्या होता है, लेकिन उसकी जो अनुभूति होगी वो कहाँ से होगी, वह तो स्वयं ही जाना पड़ेगा, स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। और तर्क के आधार पर भी ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है, तो इस बात को आत्मा और परमात्मा सिद्ध हैं, इस बात को मैंने और भी वीडियो में कहा है, उसके लॉजिक रखे हैं, तो यहाँ पर मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर बस सिर्फ यही कह रहा हूँ, तर्क संबंधित बात की जा रही है कि तर्क नास्तिकों में और आस्तिकों में दोनों ही होते हैं, एक जो है प्रमाण सहित तर्क देता है, अनुभव सहित देता है, एक बिना अनुभव के देता है, दूसरे के अनुभव पर ही कुछ कहता है, एक को पक्का अनुभव है, अपना अनुभव है, और उस सारे तर्कों के साथ अनुभव किया है वह उसको रखता है, और दूसरे जो हैं इसी तरह से एक पक्ष के ही सुनते हैं। अगर तर्क की ही बात सुन करके ही करें तो आस्तिकों के भी ग्रंथ हैं, आस्तिकों का साहित्य है, उनको पूरा पढ़ लिया जाए, नास्तिकों को चाहिए कि उनको पढ़ें और उसमें से कोई दोष निकालें, अगर तर्क के आधार पर ही दोष निकालना है, तो यदि वैसा वो कर पाने में समर्थ हो जाएंगे तो ठीक है,
फिर नास्तिकता ही मानी जाएगी। लेकिन ऐसा भी करने में आज तक वे समर्थ नहीं, न वे समर्थ हुए न उनके वैज्ञानिक समर्थ हुए, कोई समर्थ नहीं हुआ आज तक। क्योंकि ईश्वर, वैज्ञानिक भी अनंत को मानते हैं और आस्तिक भी अनंत को मानते हैं, उसी अनंत अनंत अस्तित्व को ही वे ईश्वर कहते हैं। तो यहाँ पर तो है और अविभाज्य तक तो होता ही होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होंगे जहाँ विभाजन नहीं असंभव होगा, तो वैसे को ही वे आत्मा कहते हैं। तो इस तर्क का भी कोई खंडन नहीं कर पाता है। तो आस्तिकता तर्क के आधार पर भी आप कसेंगे तो आप आस्तिकता प्रमाणित हो जाती है। हाँ, वह फीलिंग नहीं आ सकती, वह अनुभूति नहीं आ सकती, वो आपके भीतर में वो परिवर्तन नहीं आ सकता जो कि स्वयं साधना करके अनुभूत करके जो हासिल करेंगे। तो तर्क चूंकि मस्तिष्क का विषय है, माइंड का विषय है बस, तो माइंड तक ही बात रह जाती है। लेकिन वो तर्क कहाँ से उपजता है, उसका स्रोत बिंदु कहाँ है? तर्क हो रहा है मतलब कि शब्द बन रहे हैं, तर्क तो शब्द से ही है, वे शब्द कहाँ से आ रहे हैं यह पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हरिओम।